और धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं उनके कल्याण के लिए जीरादेई प्रखंड के इस छोटका माझा गांव में यहां पर रुद्र महायज्ञ का आज शुरुआत हुआ है। हमारे पीछे आप कैमरे में देख रहे हैं कि पूरे गांव की कहें या क्षेत्र के अगल बगल की जितने भी महिलाएं हैं यहां पर जल लेकर इस सोना नदी में, काफी प्राचीन नदी है ये सोना नदी, और यहां से जल लेकर जो स्थान बनाया गया है बाबा के बगल में वहां पर इसको स्थापित किया जाएगा। और 7 दिन, संभवतः 7 या 9 दिनों तक चलने वाला यह रुद्र महायज्ञ 27 तारीख को यहां पर समापन होगा। आप देख सकते हैं कि यहां पर घोड़े हाथी गाजे बाजे के साथ पूरे तैयारी के साथ बिल्कुल एक जुलूस के जैसा माहौल है, और गांव के जितने भी लोग हैं चाहे वो बच्चे हों, महिलाएं, बुजुर्ग, सभी काफी उत्साहित हैं। और हमने बात किया यहां के जो महंत हैं इस पूजा समिति के, दूधनाथ जी महाराज, उन्होंने बताया कि पूरे विश्व में शांति के लिए और धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं उनके कल्याण के लिए यह रुद्र महायज्ञ यहां पर आयोजन किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि इस मेले में अनेक प्रकार के, जैसे मैं मनोरंजन के लिए साधन भी उपलब्ध हैं, झूला यहां पर लाया गया है, और उसके बाद से अनेक ऐसे मनोरंजन के सामान हैं जो कि इस क्षेत्र के जो बच्चे हैं या फिर महिलाएं बुजुर्ग उनको मनोरंजित करेगी। साथ ही साथ यहां पर आहुति दी जाएगी, और ये सारा जो दृश्य है काफी मनोरम है, और यहां के जितने भी दर्शक हैं या फिर जनता है, बच्चे बुजुर्ग हैं, सभी आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। मैं रवि सिंह, ATN लाइव सिवान के लिए। आइए धीरे धीरे आइए, आशीर्वाद है छोटका माझा जितना भी अनुष्ठान किया है। हाँ हम बोलेंगे ऐसे जग, 5-6 जग कराए हैं, इसलिए बहुत अच्छा है, खुशी का माहौल है, अच्छा लग रहा है। जनता से क्या अपील करेंगे, अपने गांव के जनता से? अपने गांव से के जनता से हम अपील करेंगे कि शांति बनाए रखें, ये सौहार्द का त्योहार है, इसलिए सब आदमी का जग है, सब आदमी मिलकर सहयोग करें और शांति बनाए रखें। यहाँ के जो पुरोहित है दूधनाथ बाबा जी, उनके विषय में कुछ बताइए। बहुत बड़े संत है, बहुत त्यागी महात्मा है, वैसे संत बड़े सौभाग्य से इस गांव को मिले हैं, और उन्हीं की देन है जो ये 5वां जग हो रहा है हमारे गांव में। नाम बताइए। धनंजय राय। यज्ञ जो है ये कल्याण के लिए होता है, विश्व कल्याण के लिए हो।
होता है, यज्ञ से वृष्टि होता है, कृषि से सृष्टि होता है, और यज्ञ में सबको जो है ये शंकर जी का यज्ञ जो है सबको सबके लिए है, और सबका जो है भोलेनाथ आशीर्वाद देते हैं, और भोलेनाथ की कृपा से ही ये यज्ञ हो रहा है, के लिए यज्ञ हो रहा है, विश्व के शांति के लिए यज्ञ हो रहा है, जिसमें भगवत भक्तों का आस्था है। यह यज्ञ स्थलीय बहुत समय 1997 से यहाँ पर यज्ञ होते आ रहा है, कई कई यज्ञ हो यहाँ पर हो गया है। हमारे श्री श्री 1008 दूधदास जी महाराज यहाँ पर यज्ञ कराते आ रहे हैं, इनकी कृपा से यज्ञ हो रहा है। सबसे पहले तो मैं अपने गांव वालों को, अपने विद्या बाबा को, अपने गांव के मुखिया को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा गांव मतलब इससे और आगे जाए, मेरे पब्लिक मुझे में साथ दे, विद्या बाबा का साथ दे, और हम लोग भी खड़े हैं कि मेरा गांव और आगे जाए और ऊपर जाए, ताकि पूरी दुनिया देखे कि मेरा गाँव क्या है और हम लोग क्या है। अच्छा महसूस हो रहा है, हम ही नहीं हमारे गांव के भी यहां पर बहुत से लोग जुटे हुए हैं, और हम लोग ये जानकर बहुत खुशी होगी आप लोगों को कि हमारे गांव में हर वर्ष मतलब 2-4 वर्षों पर ये जग होते रहता है, जो कि बहुत भव्य तरीके से होता है, और हम लोग बहुत इस बात से खुशी है कि हम लोग के गांव में आज भी इस भव्य तरीके से जो जग हो रहा है उसको हम लोग आनंद कर रहे हैं। आज कलश यात्रा में भाग भी लिए हुए है, और साथ में बहुत ही श्रद्धालु भी यहाँ पर जुटे हुए हैं। नाम बताइए बने जी। मेरा नाम खुशी सिंह है, मैं श्री मृत्युंजय सिंह की लड़की हूँ, यही छोटा माजा की मैं भी हूँ। माजा जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि सभी में शांति सद्भावना रहे, किसी के प्रति विघ्न ना आए, और जग को शांति पूर्वक संपूर्ण और शांति से बनाए। आपको कैसा महसूस हो रहा है जजमान बनने को? मुझे तो इतना अधिक खुशी हो रही है, ऐसा कभी तो हमने देखा नहीं था। फर्स्ट टाइम मैंने जग में आया है पहले बार, लेकिन इस तरह का जग में नहीं आया। और अब आपके ये इनके अर्धांगिनी है, आपको कैसा लग रहा है इस जग में जजमान बन के? बहुत अच्छा लग रहा है क्या? और जनता जो है उसको क्या कहना चाहेंगी इस जग के माध्यम से, क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके गांव में इतना अच्छा जग हो रहा है तो इसके विषय में क्या बताएंगे? जो इतना अच्छा रुद्र महायोग हो रहा है तो जो इसके आयोजन करता है और जो इसके पुजारी है उनके विषय में बताइए। हाँ, हमारे इस जग के पुजारी है श्री श्री 108 दूधनाथ संत शिरोमणि, उनको संत शिरोमणि कहने में हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, और संत शिरोमणि दूधनाथ महाराज जी है, जो किसी दूर दराज के नहीं है, बंगलोर अमेरिका और पाकिस्तान विदेश देश विदेश से नहीं है, ये हमारा ही गाँव के बगल में सिमरिया गाँव के रहने वाले है, और ये बहुत सच्चे ईमानदार पुरुष वाला व्यक्ति है, और इनके ऊपर कोई शक नहीं करना है, और ये सच्चे दिल के भक्त है, और जो भी काम करते हैं जनता के लिए करते हैं। और मैं आपको एक भी ये भी बता देना चाहता हूँ कि मैं व्यक्तिगत रूप से उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ, उनके पास अभी जाकर मांगे तो 5 रुपया नहीं मिलेगा। इस जग में 10 लाख से 50 लाख रुपया खर्च होगा, लेकिन हमारे संत महाराज के पास और जाइए तो उनके बगली में पाकिट में 1 पैसा नहीं होगा। जनता को हम यह संदेश देना चाहेंगे कि यह विश्व कल्याण के लिए विश्व कल्याणार्थ रुद्र का प्रतिष्ठात्मक रुद्र महायज्ञ का आयोजन हम लोगों ने किया है, इससे हमारे गांव की जनता ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के जितने जनता लोग हैं सबके कल्याण के लिए यह विश्व कल्याणार्थ प्रतिष्ठात्मक रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे सनातन धर्म के जितने 336 या जितने भी देवता देवी हैं सबका आवाहन स्थापन होगा, और इस सनातन धर्म से जुड़े रहने के लिए सभी भक्तों को आयोजित किया जाएगा, एवं सभी भक्तों से आग्रह किया जाएगा कि इस यज्ञ में आकर के और सहयोग दें और पुण्य का भागी बने। यज्ञ जो है
ये कल्याण के लिए होता है, विश्व कल्याण के लिए होता है। यज्ञ से वृष्टि होता है, कृषि से सृष्टि होता है, और यज्ञ में सबको जो है, ये शंकर जी का यज्ञ जो है सबको, सबके लिए है, और सबका जो है भोलेनाथ आशीर्वाद देते हैं, और भोलेनाथ की कृपा से ही ये यज्ञ हो रहा है। आशीर्वाद है कि सबका मांगा जितना भी था संदेश देना चाहता हूँ कि सभी में शांति सद्भावना रहे, किसी के प्रति उद्वेग न आए, और जग को शांति पूर्वक संपूर्ण शांति से बनाए। आपको कैसा महसूस हो रहा है जजमान बनने को? मुझे तो इतना अति मतलब खुशी हो रही है कि ऐसा कभी तो हमने देखा नहीं था। फर्स्ट टाइम मैंने जग में आया है पहले बार, लेकिन इस तरह का जग में नहीं आया। और अब आपके ये इनके अर्धांगनी है, आपको कैसा लग रहा है इस जग में जजमान बन के? बहुत अच्छा लग रहा है क्या? और जनता जो है उसको क्या कहना चाहेंगी इस जग के माध्यम से, क्या संदेश देना चाहेंगे?